हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहसिन पांडे, क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। बस मैं हिंट देकर आपको छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको दोनों मेथड पता है और इसमें कुछ समझाना भी नहीं है। ये आपको इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यानी पुट कर दीजिए, ऐसा होता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है तो 4 में देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट दे एनी अलजेब्रिक मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कई सारे पार्ट हैं, वे सारे पार्ट आपको एक प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है और उसको एल्जेब्रिक मेथड के रूप में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख करके उसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है ना, उन सारे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे और न्यूमेरिकल को फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको थर्ड है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें पहले हम क्वेश्चन समझते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो बुक आपके पास होगा, क्वेश्चंस आप वहां से नोट कर सकते हैं, हम बस क्वेश्चंस आपको समझा दे रहे हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल में क्या है आपका, मेस है। ठीक ना, हॉस्टल में क्या है, मेस है, जहां पर खाना बनता है आपका। तो इस हॉस्टल में एक मंथ, यदि हम बात करें वन मंथ की, तो इस वन मंथ के कुछ पार्ट, वन मंथ के कुछ पार्ट फिक्स हैं, कुछ दिन फिक्स हैं कि आप इतना दिन खाएंगे तो आपको इतना ही पैसा लगेगा। मतलब कि कुछ फिक्स्ड चार्ज हैं, कुछ दिन के लिए फिक्स चार्ज, मतलब 10 दिन खाएंगे तो इतना लगेगा आपका। ठीक ना, उसके बाद आप जब उससे अधिक दिन खाने लगेंगे तो आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। मतलब कि यह का आपका फिक्स्ड चार्ज है और उस दिन के बाद आप जब एक्स्ट्रा खाने लगेंगे तो पर डे का चार्ज आपको, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका पर डे का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। क्या समझ में आया, हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या है, मेस है, मेस में एक मंथ के कुछ पार्ट फिक्स है, एक मंथ के कुछ दिन फिक्स है कि आप इतना दिन खाना खाएंगे जितना रुपया लगेगा। उसके बाद आप जब पर डे खाना खाएंगे तो उसके लिए आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। समझ में आया, क्या हमने कहा कि कुछ दिन का फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे पर डे उसका आपका अलग चार्ज लगेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन से बात समझ में आ गया ना। अब कह रहा है कि वेन ए स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 डेज, मतलब कि एक स्टूडेंट से वह 20 डेज का भोजन लेता है, फूड लेता है। ठीक ना, और वो फीस पे करता है 1000 रुपीज़। मतलब कि 5 डे तो खाता ही है, उसके बाद वो 20 डेज एक्स्ट्रा खाता है। जो आप वो फूड ले रहा है, जो भोजन ले रहा है, वह 5 डेज तो खा रहा है,
मान लीजिए 10 दिन खाया तो उसका फिक्स चार्ज है आपका ₹x, ठीक है ना। ₹x फिक्स चार्ज दे दिया, उसके बाद जो पर डे खा रहा है, तो मान क्वेश्चन में बोला है कि 20 डे, यानी 20 डेज वो एक्स्ट्रा खाना खाया है, तो ये बताइए पर डे का चार्ज मैं मान लेता हूँ कि ₹y है, यदि वो 20 डेज एक्स्ट्रा खाया है तो कितना रुपीज़ वो एक्स्ट्रा देगा, ₹20 एक्स्ट्रा देगा। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर मेस है, मेस में 1 मंथ की कुछ दिन के चार्ज फिक्स्ड हैं, कुछ दिन के चार्ज फिक्स्ड हैं, हमने मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो ₹x है, क्या है फिक्स्ड चार्ज जो है वो आपका ₹x है, उसके बाद जो है पर डे का चार्ज कितना है आपका ₹y है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का है जो 20 दिन एक्स्ट्रा यानी 20 डेज एक्स्ट्रा खाना खाता है, तो हमने मान लिया कि चलो एक दिन का चार्ज ₹y है, तो 20 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा आपका ₹20 हो जाएगा। तो बात समझ में आया, फिक्स्ड चार्ज हमने y मान लिया, 20 डेज का ₹20 हो गया, फिक्स्ड चार्ज आपका x हो गया, दोनों को जोड़ करके वो कितना देता है 20 डेज का ₹1000 देता है पहला लड़का, इसको अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला लड़का हो गया, दूसरा लड़का जो है कह रहा है कि वह कितना दिन एक्स्ट्रा खा रहा है, 26 डेज एक्स्ट्रा खाना खा रहा है, ठीक ना। ये बताइए फिक्स्ड चार्ज तो उसके लिए भी रहेगा, लेकिन अब बात ये कितना दिन वह एक्स्ट्रा खाना खा रहा है, ये कह रहा है 26 डेज, तो कितना रुपया होगा ₹26। इन दोनों को ऐड करने पे दोनों जोड़ करके कितना रुपया दे रहा है, वो दे रहा है आपका 1180 रुपीज, कितना दे रहा है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस तरीके से पहले क्वेश्चंस को समझ लेंगे, 1 मंथ में कुछ दिन का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, उसके बाद पर डे का चार्ज लगता है, तो हमने मान लिया पर डे का चार्ज आपका ₹y है, तो वह कितना दिन खाया, कितना दिन भोजन किया, 20 डेज एक्स्ट्रा भोजन किया, तो कितना पैसा देगा एक्स्ट्रा ₹20, दोनों मिलाकर के कितना हुआ ₹1000। फिर वहाँ पर जो दूसरा लड़का है वो आपका फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही देगा, साथ में जितना दिन वो एक्स्ट्रा खाया है उसका भी पैसा वो देगा ₹26। दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 1180 रुपीज़ देता है। इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन बना लिया, इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसा नहीं दिया है कि आपको कुछ मेथड से सॉल्व करना है, चाहे कि इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, आप चाहे किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है, फिक्स चार्ज हमने x मान लिया और पर डे का जो फूड चार्ज है वो कितना है ₹y है। हमने यहाँ एक फार्मूला बना लिया, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे कर लेंगे तो टोटल चार्ज की इक्वल हो जाएगा, और टोटल चार्ज स्टूडेंट ने कितना दिया 1000, कितना दिन का 20 दिन का, इसीलिए बी वाला जो स्टूडेंट है कितना दिया 1180 रुपीज़, कितने दिन का 26 डे का। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो चाहे किस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन, देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाला बड़ा इक्वेशन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 26y इज इक्वल टू 1118, और ये हो जाएगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, क्लियर है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6y, और ये हो जाएगा 180, क्लियर। और यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 30, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, आया ना 6 3 18 30। अब y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग
बहुत आसान है, यदि आप लोग इक्वेशन बना लेते हैं तो सॉल्व करना इजी है। क्या है याद रखने, हम इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, रखते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, ये होगा ना, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1000 माइनस 600, मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे 600, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो देख लीजिए, सो एक्स क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, सो फिक्स चार्ज ऑफ द फूड इक्वल टू कितना है आपका 400 रुपीज, और चार्ज फॉर फूड पर डे एंड चार्ज फॉर फूड पर डे कितना हो जाएगा, वाई है ना, तो वाई की वैल्यू क्या आई है 30 रुपीज, ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड वाले पार्ट की तरफ, ठीक ना। हम ऐसे क्वेश्चंस को आपको न्यूमेरिकल के रूप में भी, होमवर्क के रूप में भी देंगे, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक बार फिर बता देते हैं, हमने फिक्स्ड चार्ज x मान लिया, पर डे का चार्ज हमने y रुपीज मान लिया, यहाँ हमने फार्मूला बना लिया फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर डे इक्वल टू टोटल डेज। स्टूडेंट ए के लिए फिक्स्ड चार्ज x है, 20 डेज एक्स्ट्रा वो भोजन करता है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। इसीलिए इसी तरह स्टूडेंट बी के लिए कितना कितना है, दोनों को हमने सेपरेट किया, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग हर एक वीडियो को देखते चलते हैं तो आप उस तरीके से हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं क्या कहता है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, मतलब कि एक लड़का है वो टेस्ट देता है, ठीक ना। एक टेस्ट में एक लड़का है जिसका नाम है यस, ठीक ना। वो टेस्ट में क्या करता है कि 40 मार्क्स पाता है, टोटल क्या करता है 40 नंबर पाता है, ठीक है। टोटल क्या करता है वो 40 मार्क्स पाता है। अब भाई टेस्ट है तो कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए होंगे, ठीक ना, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके राइट भी हुए होंगे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस राइट भी हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल सब देख करके वो कितना पाया 40 मार्क्स पाया। लेकिन कंडीशन क्या क्वेश्चंस में कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस में कह रहा है वो कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट नंबर आंसर, मतलब कि जो भी वो राइट आंसर, यदि वो एक राइट आंसर कर रहा है तो कितना मिल रहा है 3 मार्क्स मिल रहा है, दो कर दे रहा है तो कितना मिलेगा 6 मार्क्स मिलेगा, ऐसे मतलब कि हर एक राइट आंसर को उसको क्या मिल रहा है 3 मार्क्स, ठीक है। तो 3 मार्क्स हम लिख देते हैं, 3 मार्क्स मिल रहा है कितने, एक राइट आंसर पे, एक राइट आंसर पे, समझ में आ रहा है। रॉन्ग आंसर या क्वेश्चन नहीं होगा, हम इसको क्या करते हैं आंसर कर देते हैं, सही रहेगा। तो यदि एक राइट आंसर करता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, दो करता है तो 6 मार्क्स, 3 करता है तो 9 मार्क्स, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितना वो राइट आंसर किया है। यदि वो रॉन्ग आंसर करता है तो उसका एक नंबर काट लिया जाता है, मतलब कि वन रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स लॉस, किस पे 1 रॉन्ग आंसर पे,
समझ आ रहा है? वन रॉन्ग आंसर करता है तो उसका वन नंबर घट जाता है, कट जाता है, यदि वो एक राइट आंसर करता है तो थ्री मार्क्स उसको मिल जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितना वो रॉन्ग आंसर किया और कितना वो राइट आंसर किया। क्लियर, अब चलते हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन यह कह रहा है कि हैड फोर मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। क्या ये तो पहला कंडीशन हो गया, कह रहा है कि यदि उसको करेक्ट आंसर पर फोर मार्क्स मिलता, मतलब कि यदि यह राइट आंसर कर रहा है, करेक्ट लिख दिया एक ही चीज है, यदि वह राइट आंसर कर रहा है तो उसको कितना मिल जाए, वन राइट आंसर पे भी उसको मिलता फोर मार्क्स। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फोर मार्क्स वन राइट आंसर पे। समझ में आ रहा है? यदि उसको एक राइट आंसर पे फोर मार्क्स मिलता और ठीक है ना, टू मार्क्स है वो लॉस होता किस पे, वन रॉन्ग आंसर पे। यदि उसको वन राइट आंसर पे फोर मार्क्स मिलता और वन रॉन्ग आंसर पर टू नंबर लॉस हो रहा है तो ओवरऑल कितना नंबर स्कोर कर रहा है, ओवरऑल वो 50 मार्क्स क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है। यदि इतना मिलता तो 40 नंबर पा रहा है। यदि कंडीशन यह नहीं होकर कि यह होती तो 50 मार्क्स वो पाता, लेकिन फिर भी हमें यह क्लियर नहीं हुआ वह कितना रॉन्ग आंसर कर रहा है और कितना राइट आंसर कर रहा है। तो यह नहीं पता हमको, तो हम मान लेंगे तो रॉन्ग आंसर मान लेते हैं कि वाई किया या फिर एक्स, मान लो एक्स क्वेश्चन और रॉन्ग एक्स क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देता है और वाई क्वेश्चन का वो राइट आंसर देता है। ये तो मानना पड़ेगा कि एक्स क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर दिया और वाई क्वेश्चन का वो क्या किया, राइट आंसर दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन है, एक कंडीशन आपका यहाँ से है और एक कंडीशन आपका यहाँ से। बात समझ में आया ना? तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन ध्यान से क्या समझेंगे कि बोल रहा है कि एक लड़का है यश नाम का, वह एक टेस्ट देता है, वह टेस्ट में वो 40 मार्क्स पाता है। उसमें कुछ वो रॉन्ग आंसर भी करता है और कुछ वो राइट आंसर भी देता है। अब कह रहा है कि यदि वो एक राइट आंसर दे रहा है तो 3 मार्क्स मिल रहा है और यदि वो रॉन्ग आंसर दे रहा है तो 1 मार्क्स लॉस हो जा रहा है। इतना करने के बावजूद उसको 40 नंबर पा रहा है, 40 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन वह यदि वन राइट आंसर पे 4 मार्क्स पाता और वन रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स लॉस होता उसका तो 50 नंबर पाता ओवरऑल उस टेस्ट में। तो आपको बताना है कि कितना वो रॉन्ग आंसर किया और कितना वो राइट आंसर किया। तो हमने बताया आपको कि हम मानेंगे पहले रॉन्ग आंसर एक्स किया और राइट आंसर वाई किया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसा हमने आपको समझाया वैसे हमने हूबहू इसी लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले हमने रॉन्ग आंसर के लिए वाई मार्क्स हमने मान लिया कि उसने रॉन्ग आंसर कितना किया वाई, और राइट आंसर हमने मान लिया कि एक्स किया। उसके बाद जो पहली कंडीशन कह रहा था कि वो 40 नंबर पाया था उसमें वो 3 मार्क्स पाया था राइट आंसर के लिए और वन मार्क्स जो लॉस कर रहा था वो रॉन्ग आंसर के लिए, इसलिए राइट आंसर के लिए कितना पाया 3x मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए टोटल उसने कितना पाया 1y मार्क्स। हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया राइट मार्क्स प्लस रॉन्ग मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स। ओके, 3x + y = 40 इस तरफ फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेम यही कंडीशन हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए लगाया और हमको मिला 4x + 2y = 50। आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम कह सकते हैं कि वो रॉन्ग आंसर कितना दिया और राइट आंसर कितना दिया और ओवरऑल टोटल आंसर
कितना क्वेश्चंस आया था एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर चलते हैं हम आगे। देखिए तो हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चाहे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो उसके लिए देखिए, हम चाहे तो यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, ये क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट सेकेंड को, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। हमने सेकेंड वाले में टू काम लेके इक्वेशन थर्ड बना लिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 40 और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये आपका x हो जाएगा और ये कट जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15। x बोले तो राइट आंसर उसने कितना दिया है, तो 15 उसने राइट आंसर किया। अब उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y है यस, वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन, चाहे किस इक्वेशन में रख लें आप, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, इजी रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट यही है 3x मतलब कि 45 ही होगा ना यहाँ से, प्लस y इक्वल टू 40 दे y इक्वल टू माइनस 5। अब y की वैल्यू बाई कोई नंबर माइनस में पाता है क्या, तो उसके लिए देखिए y माइनस में है, इसका मतलब वो नंबर क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, कट रहा है, लॉस हो रहा है। y क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो माइनस में आया है वैल्यू, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसने रॉन्ग आंसर कितना किया 5 और राइट आंसर कितना किया उसने, तो राइट आंसर उसने 15 किया। हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसको माइनस को ध्यान नहीं देंगे ये क्वेश्चन देते वक्त, ठीक है। माइनस ये दिखा रहा है कि उसने रॉन्ग आंसर किया कितना 5, राइट आंसर कितना किया 15। तो लास्ट हम लिख सकते हैं कितना रॉन्ग आंसर, टोटल क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि वन मिनट, क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि टोटल क्वेश्चंस कितना आया था एग्जाम में, ये पूछा हुआ है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो लास्ट लिखेंगे क्वेश्चंस देयर वर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे ये पूछा हुआ है, हाँ। तो कितना हो जाएगा x plus y, तो करेंगे ही करेंगे, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे उसने रॉन्ग आंसर कितना दिया 5 और राइट आंसर कितना दिया 50, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 50 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये जो माइनस है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस ये दिखा रहा है उसने राइट आंसर कितना दिया, तो राइट आंसर सॉरी रॉन्ग आंसर कितना दिया, तो रॉन्ग आंसर वो 5 दिया है और राइट आंसर 15 दिया है। इस तरीके से जो क्वेश्चन टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चंस आए थे वो कितने आए थे 20 क्वेश्चंस आए थे। आप इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सेटिस्फेक्शन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लेंगे, हमने जहाँ तक आपको समझाया, कोशिश किया है समझाने के लिए।
आप ऐसे आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।